समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों की हुई बैठक। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र 379 जमानिया दरौली गांव में बैठक किया गया, जिसमें जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष के साथ होने वाले चुनाव की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अफजाल अंसारी ने कहा कि हर बूथ पर जिसका नाम छूटा है उसका अध्ययन कर लिया जाए और बताया कि दरौली गांव ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी जनता हमें फिर से सांसद बनाने के लिए खुशी है। वहीं हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। गाजीपुर की जनता को और आज पहुंचे हुए थे यहाँ पर दरौली में, सबसे पहले क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? नहीं, हम लोग आज जमानिया क्षेत्र में आज इस बैठक के माध्यम से अपने जोन के प्रभारी, सेक्टरों के प्रभारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए बैठक कर रहे थे। हर बूथ पर वोटर लिस्ट का फिर से अध्ययन कर लिया जाए, कोई नाम छूटा है तो उसे बढ़ा लिया जाए और अपने अपने बूथ और अपने अपने सेक्टर में सक्रिय होकर के जो समाजवादी पार्टी और उसके संगठन के लोग हैं वो अगले चुनाव की तैयारी करें। आज तो यही है और इसमें कुछ संभ्रांत नागरिकगण, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आ गए थे, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, जिसने तमाम वादे जो किए थे वो विफल रही, निराश है जनता। उनके कार्यकाल में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, भ्रष्टाचार और बढ़ गया और जो विदेशों में काला धन था वापस लाने की बात थी उसकी बात तो छोड़ दीजिए, अपने देश से तमाम काला धन निकाल के बैंकों से धोखा फरेब करके विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे तमाम जो जालसाज हैं वो लोग भाग गए पैसा लेकर के देश का, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके भी चेहरे से नकाब हट गई। वो तमाम ऐसे लोगों को उन्होंने चंदा लेकर के और उसके बदले में उनको बहुत कुछ काम देने का काम किया है। ये एक बड़ी अजीब घटना है। देश की जनता इस सच्चाई से जब चेहरे से नकाब हटा है तो मुझे लगता है देश में एक क्रांति जैसी स्थिति आ जाएगी और मोदी की विफलताओं को लोग समझ जाएंगे। जो व्यक्ति कहता था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, उस व्यक्ति ने किस तरह से देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है चंदे के नाम पर, इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड के माध्यम से, और उनको अपने राजनीतिक प्रभाव से जो काम दिया है, ये सीधे सीधे एक सौदाबाजी है अब देश की जनता को आने वाले दिनों में। सांसद जी, एक और सवाल आपसे, जहां देखा जा रहा है कि गाजीपुर से आप सपा की तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ देखा है बसपा और भाजपा अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, क्या वजह हो सकता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए। पहले तो लगता था कि खुद श्री मनोज सिन्हा जी आएंगे मैदान में, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने के योग्य बन जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ जो गाजीपुर से खड़ियंत के तहत झूठे मुकदमे में फंसा कर मेरी 4 साल की सजा कराई गई थी, उस सजा के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित कर दिया, तो और मेरी सजा को स्थगित करने के साथ ही मेरे नोटिफिकेशन जारी हुआ लोकसभा से और मैं फिर से संसद सदस्य के रूप में पदस्थापित हो गया। चुनाव आयोग की अयोग्यता जो थी वो भी समाप्त हो गई, तो अब उनको घबराहट हो गई है। आप भी समझ सकते हैं, जो आदमी किसी से 2 बार पटका चुका है जनता की अदालत में, वो तीसरी बार आने के लिए तो इरादा बदल दिया। अब जब उन्होंने इरादा बदल दिया तो अब दूसरा कौन लड़ेगा? अब इसमें ऊहापोह चल रहा है, ये वो लोग तय करें कौन लड़ेगा। हम तैयार हैं, हमारे गाजीपुर की जनता तैयार है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है। मेरे साथ जो अत्याचार जुल्म हुआ है उसके लिए जनता में आक्रोश है, हमारे प्रति सहानुभूति है, हमारे परिवार की जो देश के लिए सेवाएँ हैं, कुर्बानियाँ हैं, ब्रिगेडियर उस्मान साहब मेरे पूर्वज जो कश्मीर में शहीद हुए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए, हमारे पूर्वज जो डॉक्टर एम ए अंसारी साहब जब देश गुलाम था तो उनके नेतृत्व में 1926-27 में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे,
तब देश को आजाद कराने के लिए तमाम गंभीर फैसले लिए गए। दरियागंज की कोठी जिसे डॉक्टर अंसारी ने कांग्रेस पार्टी को दे दिया था कि ये तुम्हारे केंद्रीय कार्यालय में इसको इस्तेमाल कर लो, आज उस परिवार के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जो ज्यादती की है, परिवार की महिलाओं पर झूठे मुकदमे किए हैं, बच्चों को जेल में ठूसा है, हम लोगों को झूठे मुकदमे में डाल के सजा कराई है, तो जनता में इसका आक्रोश है। अब जनता की अदालत में फैसला होना है। आप देखिएगा कि बुलडोजर नीति, विपक्षियों को सताने की नीति, झूठे मुकदमे में फंसाने की नीति, कितना जनता गुस्से में है, इसका एहसास आप लोगों को इस चुनाव में हो जाएगा। धन्यवाद। गाजीपुर के सांसद हमारे बीच थे अफजाल अंसारी जी, और हमने इनसे कुछ खास